हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धवन। गाइस, आज के इस सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं कुछ चुनिंदा एरर्स, सिलेक्टेड एडवांस लेवल की एरर्स, जिसे करके अपने आप ना चाहते हुए भी आपके जो इंग्लिश के बेसिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, यानी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और टाइम दूंगा, या आप वीडियो रोक के आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, और अगर ना हो तो एक बार घबराना नहीं, क्वेश्चंस वाकई अच्छे लेवल के हैं और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अभी सेंटेंस के अंदर यहां गलती है। ये जो शब्द आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर क्या आ रहा है ई, और हमें क्या चाहिए आई। तो क्या अब इसके अंदर कोई फर्क है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां जो चीज आ रही है ये क्या है? मस्ट। ठीक है, यहां ये जो शब्द आ रहा है ये मस्ट है, यानी ये एक मोडाल है, और मोडाल के बाद हमें क्या चाहिए होता है? V1। हमें क्या चाहिए? V1। तो कॉम्प्लीमेंट शब्द V1 है, लेकिन मीनिंग में फर्क है। ठीक है जी, तो क्या है यहां गड़बड़, क्या दिक्कत हो गई? चलते हैं आगे। देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट जो शब्द है, ठीक है, वहां पे ENT वाला ही लगा हुआ था जो वर्ब ही होता है, लेकिन हमें INT वाला लगाना है जो नाउन और वर्ब दोनों होता है। पहले मैं आपको दोबारा से सेंटेंस दिखाता हूं। सेंटेंस में क्या था? आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड इम्पेकेबल बिहेवियर, यानी मैं आपकी प्रशंसा करता हूं आपके गुड मैनर्स पे और आपकी इम्पेकेबल बिहेवियर। इम्पेकेबल का मतलब कोई गलती नहीं, फ्लॉलेस। तो यानी हमें यहां पे प्रशंसा से जुड़ा शब्द चाहिए था। अब अगर मैं बात करूं यहां, तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है वो प्रशंसा से रिलेटेड नहीं है, जो ENT वाला है, इसीलिए हमें यहां पे INT लगाना पड़ा। देखिए, अब जो ENT वाला जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस एडमिरेशन और कॉन्ग्रेचुलेट, और जो ENT वाला है, जो INT वाला है, इसका मतलब है अ रिमार्क, यानी ये एक, अगर मैं नाउन कहूं, यानी कोई प्रशंसा से भरा कोई शब्द। ठीक है जी, तो जहां ये जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये जो आई वाला आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रशंसा से रिलेटेड। और ये जो ई वाला है, इसका मतलब होता है पूरा करना, पूरक होना या पूरा कर देना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि वी कॉम्प्लीमेंटेड देम, सॉरी, कोक एंड फ्रेंच फ्राइज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी होता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी है, और ये है प्रशंसा से जुड़ा, और जब एल के बाद ई लगा होता है, इसका मतलब होता है पूरा कर देना, किसी चीज को पूरा कर देना, कंप्लीट करना। जब दो चीजें मिलके एक दूसरे को पूरा करती हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। क्लियर है जी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप वीडियो रोक के दे सकते हैं आंसर। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्ड, पर हमें क्या चाहिए? फॉरवर्ड, यानी फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ई का आ रहा है, सिर्फ एक ई का आ रहा है। तो क्या होता है? देखिए, जो तो होता है ई वाला, इसका मतलब होता है जिसको आप अपने हिंदी में उपसंहार कहते हैं या इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब कोई इंसान कोई बुक लिखता है, तो अगर उसका इंट्रोडक्शन किसी से लिखवाता है, तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए, ही वॉज आस्ड टू राइट अ फॉरवर्ड, यानी उससे कहा गया कि वो लिख दे, ठीक है, यानी वो जो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है उसकी बुक के लिए। ठीक है, दे रैन फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड तो एक प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, या इसको आप एडवर्ब कह सकते हैं, दे रैन फॉरवर्ड, वो भागे आगे की तरफ, वो भागे आगे की तरफ। तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक प्रेपोजिशन टाइप का काम कर रहा है यहां पे, आगे पीछे। तो हमें
फॉरवर्ड चाहिए या मतलब ई वाला फॉरवर्ड चाहिए या बिना ई वाला चाहिए, वो आपको सेंटेंस देख के ही आइडिया लगाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर से कहा गया कि वो लिखें। अब लिखने के लिए हमें ये नाउन चाहिए, क्योंकि देखो अ भी आ रहा है या आर्टिकल आ रहा है। अगर आर्टिकल आ रहा है ठीक है जी, और उसके बाद प्रेपोजिशन आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। ये भी एक रूल होता है कि अगर आर्टिकल आ रहा है और आर्टिकल के बाद जगह खाली है, और अगर यहाँ पे अब प्रेपोजिशन आ रहा है, तो फिर समझ लो यहाँ पे नाउन ही आएगा, दुनिया की और कोई चीज़ नहीं आ सकती। चलिए जी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। टेक योर टाइम, ठीक है मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखिए यहां पे जो शब्द आ रहा है वो है प्रैक्टिस, और हमें जो शब्द चाहिए यहां पे वो एस ई वाला चाहिए, यानी हमें सी वाला नहीं चाहिए, हमें एस वाला चाहिए। देखिए ये जो हैड टू आ रहा है, तो हैड टू के बाद तो हमें वी वन चाहिए, यानी हमें चाहिए वर्ब, और जो सी वाला प्रैक्टिस होता है ना, जिसमें सी लगा होता है, वो होता है नाउन, और जो एस वाला प्रैक्टिस होता है वो होता है वर्ब, ठीक है ना। तो वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, तो हैड टू के बाद वैसे भी यहां नाउन नहीं, यहां वर्ब की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो आप इसके भी एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए लुक इट वॉज हिज प्रैक्टिस, अब हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसको तो अपने बाद नाउन ही चाहिए, ये उसकी प्रैक्टिस थी कि वो 5 मील चल सकता है। शी प्रैक्टिस द पियानो डेली, वो प्रैक्टिस करती है, और आपको यहां देखिए यहां पे आपको ये वी वन के साथ एस भी लगा नजर आ रहा है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, जो आग बुझाने वाले होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, जिन कपड़ों को आग लगे या जिन कपड़ों को आग ना लगे। इनफ्लामेबल का मतलब होता है जो आग पकड़ते हैं, और नॉन इनफ्लामेबल का मतलब जो आग नहीं पकड़ते। तो कैसे कपड़े चाहिए, ठीक है, तो नॉन इनफ्लामेबल का मतलब जो आग नहीं पकड़ते, तो हमें इनके इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एएफओ की टाइम बड़ा कम रह गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोकैब की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 40 सेशंस पढ़े हैं वोकैब के थ्रू ट्रिक्स। एक बार आपने वोकैब कोई वर्ड याद कर लिया तो फिर आप नहीं भूलोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका थोड़ा टाइम बच जाए, तो सारे के सारे सेशंस इस बुक में है, सारे के सारे सेशंस आपको बस वीडियो देखनी है, सारे के सारे सेशंस इस बुक के अंदर हैं, तो आपका टाइम बच सकता है और सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से आप उसको रिवाइज कर सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो अपना। सो गाइज, अगर आप चाहते हो तो आपको पता लग जाएगा ये बुक कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है बेल आइकन तो फिर दबाना ही है। और गाइस, एएफओ के लिए स्पेशली मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, और अगर मुझ पर विश्वास है और अगर आप चाहते हो कि हर हाल में इंग्लिश की कट ऑफ आपकी क्लियर हो, कोई शक ना रहे, कोई गुंजाइश ना रहे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 तारीख को ये बैच स्टार्ट होगा, 4 तारीख तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपके लिए चार्जेस है 1999, और अगर उसके बाद रजिस्टर करते हैं तो फिर 2499, क्लियर है। इस नंबर पर आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, आप पॉज करके आंसर और सोच सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। नो एरर,
क्वेश्चन नो एरर वाला भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार एरर हो ही हो। यही तो कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, जब कुछ नहीं होता तो इंसान और कुछ नहीं तो उसको प्रेपोजिशन ही ठीक नहीं लगती, उसको लगता है कि नहीं यार ये ऑन आएगा कि ऑन टू या इन टू, कुछ ऐसा तो नहीं, तो ये नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है जी, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, ये क्वेश्चन वैसे अगर मैं कहूं ये नरेशन से रिलेटेड है, यानी एक्टिव स्पीच पैसिव स्पीच, अगर आपको वो टॉपिक ले रहे हैं तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। और मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा नरेशन का अगर सिस्टम पता है तब आपको आइडिया लग सकता है कि व्हाट डिड आई वांट में कहां गलती हो गई। तो एक बेसिक चीज मैं बता देता हूं आपको, देखिए सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें रखनी पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आता है तो वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। और अगर सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, तो वो सेंटेंस फुल स्टॉप पर ही खत्म होगा। अब क्योंकि ये सेंटेंस फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस फुल स्टॉप पर ही खत्म हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आए, तो गड़बड़ तो है। तो ठीक कैसे होगा ये भी हमने बता दिया, व्हाट आई वांटेड। अब व्हाट आई वांटेड क्यों आया, इसके लिए फिर नरेशन की ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल मैं देखता आपको बता देता हूं, जैसे उसने, शी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा व्हाई आर यू क्राइंग। अब ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। अब यही बात जब कोई इंसान घर पे दूसरे तरीके से बताता है, शी आस्ट हर ब्रदर व्हाई ही वॉज क्राइंग, टेंस भी बदल गया और कैसे अब व्हाई ही वॉज क्राइंग, ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आई है, सब्जेक्ट बाद में। लेकिन यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जा रहा, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि उसने पूछा था, बताने वाला तो बता रहा है, पूछ थोड़ी रहा है। इसी वजह से हमें सब्जेक्ट पहले रखना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब बाद में रखनी पड़ी, क्योंकि सेंटेंस को हमें फुल स्टॉप पर ही खत्म करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी मैं बढ़ता हूं आगे। अब यहां पे टेलिंग जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, तो यहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है जी। टेलिंग एक जो टेल है, टेल दरअसल, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं, ऐसी वर्ब जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन कब, एक्टिव वॉइस में। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन कब, एक्टिव वॉइस में। ये रूल पैसिव वॉइस में उन पर अप्लाई नहीं होता। तो अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा अब कौन सी वर्ब को अपने बाद चाहिए, तो बेटा इसके लिए आपको कुछ वर्ब्स को याद करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे हो जाएंगी, तो आपको बता दूं, एक वीडियो है 70 वर्ब्स विदाउट प्रेपोजिशन, यानी उन वर्ब्स के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, बीच में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन नहीं लगाना, और आमतौर पर आता है। देखो जैसे अगर मैं कहूं I called to him, I called to him, ठीक है, I contacted with him। अब देखो ये लाइनें पढ़ने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन यहां ये टू गलत है, यहां ये विद भी गलत है, I called him, I contacted him। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे अब ये कॉल्ड है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, आम तौर पर कब, एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स के बाद, या तो आप ऐसा ध्यान रख लो कि इन वर्ब्स के बाद जो ऑब्जेक्ट है,
चलो खैर, अगर मैं ये कहूँ कि कॉल्ड और कॉन्टैक्ट, ये तो फिर भी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंदर कभी कभी नहीं भी आता। जैसे अगर मैं कहूँ आई कॉल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ, तो अब यहाँ नहीं लगा। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट ने आना ही आना है, तो टेल उनमें से है। ठीक है जी, टेल उन्हीं में से है, क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो आपको मिल जाएंगी, आइडिया मिल जाएगा, 70 वर्ब्स विदाउट प्रेपोजिशन। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें याद आपको रखना ही पड़ेगा, टेल है, रिक्वेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें भी किस में है? ये नरेशन में है, एक्टिव पैसिव में है, ठीक है ना? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी हैं, थ्रेटन, वॉन, आस्क, इंक्वायर। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कब? एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ नहीं आया, यहाँ टेलिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो आपको कुछ लगाना पड़ेगा, राम वॉज टेलिंग मी या राम वॉज टेलिंग देम, कुछ ना कुछ यहाँ पे देना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जी, मैं बढ़ता हूं आगे। देखो, आम तौर पर, अब एक ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आम तौर पर अगर सेंटेंस में क्लॉज, अगर सेंटेंस में क्लॉज कितने हैं, अगर क्लॉज दो हैं तो दो क्लॉजेस के ऊपर कंजंक्शन कितने होने चाहिए, दो क्लॉजेस के ऊपर कंजंक्शन कितने होने चाहिए, एक। दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन। वो कंजंक्शन कहीं भी आ सकता है, ये जो कंजंक्शन है वो लास्ट में भी आ सकता है, ये कंजंक्शन यहाँ भी आ सकता है, ये कंजंक्शन यहाँ भी आ सकता है। तो कंजंक्शन आएगा सेंटेंस में कहीं भी, लेकिन दो क्लॉजेस, दो टुकड़ों पे एक कंजंक्शन चाहिए, क्लियर है? तो इस वजह से आमतौर पर, क्योंकि दैट भी एक कंजंक्शन की तरह काम कर जाता है, इफ भी एक कंजंक्शन की तरह काम कर जाता है, तो आम तौर पर दैट और इफ को इकट्ठा देखते ही एक को हटाना पड़ता है। ये बेसिक सी कहानी होती है भी, हाँ दैट इफ इकट्ठा दिख रहा है तो एक को हटा दो, क्योंकि दो कंजंक्शन ये एक साथ क्या जरूरत है। लेकिन अगर सेंटेंस में क्लॉज तीन है, अगर सेंटेंस में क्लॉज तीन हो गए तो अब तो दो कंजंक्शन आ सकते हैं। अगर सेंटेंस में क्लॉज तीन हो गए तो दो कंजंक्शन आ सकते हैं। दूसरी बात, सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर इफ का मतलब क्या हो, ये बेसिक, ये बिल्कुल देसी तरीका है। अगर इफ का मतलब क्या हो, क्योंकि इफ के दो मतलब होते हैं, एक तो क्या और एक अगर, अगर इफ का मतलब क्या है तब दैट और इफ एक साथ नहीं आ सकते। सॉरी, लेकिन अगर इफ का मतलब अगर है तब दैट और इफ एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी कितने होंगे, तीन। ठीक है ना, आप इस सेंटेंस को पढ़ के देख लो, मेरे फादर ने मुझसे कहा, ये क्लॉज नंबर वन, ठीक है ना। इफ आई वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, तो आई से लेके मैनकाइंड तक क्लॉज नंबर टू हो गया। God would certainly, तो ये God से लेके me तक फिर क्लॉज तीसरा। देखा, सारी बातें आ रही हैं। और इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में फिलहाल जो है इफ, इस वक्त इफ का मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब अभी फिलहाल क्या है, अगर। और इसी वजह से इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है जी? चलिए जी, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। ये एक थोड़ा सा स्पेशल वर्ड है, इसमें कोई एरर नहीं है, बस ये जो फास्ट अप्रोचिंग वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कईयों को लगेगी अप्रोचिंग फास्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फास्ट अप्रोचिंग अपने आप में एक सही वर्ड है, एक सही फ्रेज है चाहे तो फास्ट अप्रोचिंग एक एडजेक्टिव है, यानी कोई चीज जो थोड़ा जल्दी आ रही है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सब बेसिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं क्वेश्चन, सब बेसिक्स पे हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अब यहां पे हमें आवर सेल्व्स क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इंजॉय एक ऐसी वर्ब है, इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसको अपने बाद या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए या ऑब्जेक्ट। तो ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है या फिर ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से किसी एक का आना कंपलसरी है। ठीक है जी, देखिए वी इंजॉयड द पार्टी। अब इस सेंटेंस के अंदर पार्टी एक ऑब्जेक्ट है, तो इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये सेंटेंस सही हो गया। वी इंजॉयड आवर सेल्व एट द पार्टी, इस सेंटेंस में एट द पार्टी एक एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे ये चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। और यहां पे क्योंकि इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव दे दिया, ये चीज क्या, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस वजह से ये सेंटेंस सही हो गया। We enjoyed the party ourselves. अब इस सेंटेंस के अंदर हमने इसको क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। अगर हमने इसे ऑब्जेक्ट दे दिया तो अब आप ऑब्जेक्ट भी दोगे और रिफ्लेक्सिव भी दोगे, अगर दोनों चीजें दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। देखो हमने यहां लिखा भी हुआ है कि मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर एन ऑब्जेक्ट और अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट नॉट बोथ। समझ आ रही है, दोनों में से एक का होना कंपलसरी है, लेकिन अगर दोनों होंगे तो भी गलत हो जाएगा। वी इंजॉयड वेरी मच, अब यहां देखिए वी इंजॉयड वेरी मच, अभी सेंटेंस में ना तो हमें कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना ही हमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, होगी गड़बड़। चलिए गलत हो गया। तो आई होप कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में से आपको सीखने को मिल रहा होगा। चलिए मैं दे रहा हूं आंसर इसका। देखिए जी, अब इस ज्ञान को लेने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन कैसे ठीक होता है। देखिए अगर आपके पास अगर ये चीज दिख जाए हैविंग प्लस वी थ्री प्लस अगर साथ में और कुछ और कोई एक्स्ट्रा वर्ड या फ्रेज लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी की पूरी जो चीज होती है, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं, ये लगी हो ना लगी हो, ये जो चीज होती है ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम करती है। ये जो चीज होती है किसका काम करती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम करती है। और ये चीज, ये इंफॉर्मेशन होती किसके लिए, जो भी चीज इसके बिल्कुल पास में लगी होगी, यहां पे जो भी नाउन या प्रनाउन लगा होगा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सीधा उसके लिए हो जाएगी। अब इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से जब कोई बात लिखी होती है तो इसका मतलब होता है क्रिया होने के बाद। ये जो वर्ब यहां लिखी हुई है ना, क्रिया होने के बाद, इसका मतलब यहां लिखा हुआ है हैविंग ब्रोकन डाउन। यहां ब्रोकन डाउन का मतलब खराब होने से, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है जी, फ्रेजल वर्ब भी बहुत सारी YouTube पे पड़ी है, लिख देना फ्रेजल वर्ब बाय गौरव धवन, ट्रिक्स के साथ फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है खराब होना। यहां पे इसका मतलब किससे है, खराब होना। ठीक है, यानी खराब होने के बाद, तो ड्राइवर खराब हो गया क्या, इंसान बीमार होता है खराब नहीं होता, समझ आई। तो इसका मतलब अभी देखो, अब इसके जस्ट बाद यहां पे ये नाउन है, ये जो ड्राइवर है ये आपको नाउन दिखाई दे रहा है यहां पे, तो इसका मतलब ये है खराब कौन हो गया, ड्राइवर, तो गलत हो गया प्रोग्राम। तो अब हमने क्या किया, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार, खराब क्या हुई, कार, तो हमें कार को यहां लगाना पड़ेगा। तो खराब होने मतलब कार के खराब होने पर उसे भेज दिया गया गैरेज में ड्राइवर के द्वारा, हमें पूरा का पूरा सेंटेंस ही इसके अंदर बदलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सेंटेंस में एरर कहां थी, वहां थी। क्लियर है जी, चलिए ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए, इस सेंटेंस में हमें इस अबाउट को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे हाउ साथ आ गया, हाउ टू, यहां पे हाउ टू साथ आ गया, तो हमें यहां पे अबाउट को क्यों रिमूव करना पड़ेगा? देखिए कुछ एग्जांपल, देखिए पहले कोई एग्जांपल देखिए। दे डिस्कस्ड अबाउट द पार्टी, यानी उन्होंने पार्टी के बारे में डिस्कस किया। दे डिस्कस्ड हाउ टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, उन्होंने ये डिस्कस किया मतलब कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। दे डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, अब देखिए, अब यहां पे अजीब नहीं लग रहा क्योंकि ये चीज बिल्कुल सही थी, तो डिस्कस के बाद यहां अबाउट आया, यहां डिस्कस के बाद हाउ टू ऑर्गेनाइज वाली साइड में हम चले गए। सो गाइज, जब ये चीजें इस तरह से चल रही हो तो हमें अबाउट और हाउ टू को यूज एक साथ नहीं करना। तो इसका मतलब हमें अबाउट अगर आ रहा हो तो फिर ध्यान रखना है कि अबाउट इनके साथ नहीं आ सकता। अगर हाउ टू लिखा हो, इन विच मैनर लिखा हो, इन व्हाट मैनर लिखा हो, तो ये गलत हो जाता है, रिडंडेंसी हो जाती है, यानी बार बार आप एक बात कह रहे हो, तो ध्यान रखना है ये। इसमें अब आपको रटना पड़े या कैसे भी करना पड़े, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ना बंदा गलती जरूर निकालता है, पता नहीं उसको जो है ये वाज इज थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है भी यार कुछ ना कुछ तो गलत ही है, ठीक है ना। तो नो एरर है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें बच्चे गलती निकालते ही निकालते हैं। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, अब इस सेंटेंस के अंदर ये पूरा का पूरा जो चीज है ये खुद एक सब्जेक्ट जैसा काम कर सकता है, ये इतनी बड़ी चीज एक सब्जेक्ट जैसा काम कर सकती है, क्लियर है। तो यहां पे द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, इस सब्जेक्ट के लिए क्या आया, यानी जो रीजन था कि उसे क्यों रिजेक्ट किया गया वो ये है कि ही वॉज टू यंग, वो बहुत ज्यादा क्या था, जवान था। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे या तो पास्ट में होना चाहिए या प्रेजेंट में होना चाहिए। अब आप इस बात को बोल के देखो, एक बंदा कह रहा है कि जो कारण था ना, जिस वजह से उसे, जो कारण है जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया, तो वो कारण क्या है, वो कारण है कि वो बहुत जवान था। तो क्या कारण है या क्या कारण था, तो कारण तो अभी भी ये हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड इज दैट ही वॉज टू यंग, तो यहाँ पे इज आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन का आंसर उन लोगों को ज्यादा समझ आएगा जिन लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस किए हुए हैं, शर्त वाले सेंटेंसेस किए हुए हैं, और इसके अंदर जो सी टू टाइप होता है, सी टू टाइप के अंदर आपको अगर ध्यान हो, अगर हमारा इफ क्लॉज पास्ट में है, अगर इफ क्लॉज किसके अंदर है, पास्ट में है, तो मेन क्लॉज के अंदर हमें जो मोडाल चाहिए होता है वो पास्ट का चाहिए होता है, प्लस वी वन चाहिए, मोडाल हमें पास्ट का चाहिए। तो अभी जिस तरह का ये सेंटेंस है कि इफ अ मेजॉरिटी, तो हमें पता लग रहा है कंडीशनल सेंटेंस है ये, इफ अ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, ठीक है। तो यहां पे ये सी टू में ये होता है, और अगर मैं कहूं सी वन में क्या होता है, सी वन के अंदर अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट में है, ठीक है, तो हमारा जो मेन क्लॉज है उसके अंदर भी हमें प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, यानी हमें जो मोडाल चाहिए होगा वो प्रेजेंट का चाहिए होगा, पास्ट का नहीं, ठीक है ना। तो अब
ये मैंने दोनों इसलिए बता दिए क्योंकि पास्ट का मोडाल, ये पास्ट का है, पास्ट का मोडाल तो तभी आता है ना अगर इफ क्लॉज पास्ट में हो, तो यहां हमारा इफ क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में। ये देखो ये प्रॉस्पर क्या है, वी वन, और वी वन क्या है, जो वी वन है वो प्रेजेंट की निशानी है ना, तो अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तो मोडाल भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो वुड की जगह हमने क्या कर दिया, विल कर दिया। क्लियर है, क्योंकि इफ क्लॉज प्रेजेंट में मोडाल प्रेजेंट का ही आएगा। चलिए ये एक इजी क्वेश्चन है, वैसे आई होप आप में से बहुत लोगों ने सही आंसर दिया हो। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो पेयर होता है, अब ये कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड कर, कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट ओनली का और बट ऑल्सो का एक पेयर होता है, तो नॉट ओनली तो यहां आ गया और बट अकेला रह गया था, तो साथ में क्या लगा दिया, ऑल्सो। तो ठीक है, ये काफी ईजी क्वेश्चन था। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, अभी अभी जैसे अभी हमने बात की कंडीशनल की, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस में से ही है, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए जॉन वुड डेफिनेटली टेल यू, तो ये यहाँ पे अभी मेन क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मेन क्लॉज से, और यहाँ पास्ट का मोडाल आ रहा है और वी वन आ रहा है। सिंपल सी बात है, जो मेन क्लॉज हमारा आ रहा है, ठीक है, मेन क्लॉज हालांकि पहले भी लिख सकते हैं हम, जैसे इधर भी लिख सकते हैं, मेन क्लॉज जो हमारा आ रहा है वो सी टू का आ रहा है। इसका मतलब जो इफ क्लॉज आना चाहिए वो भी तो सी टू का ही आना चाहिए, तो सी टू का मतलब हमें इफ वर्ड के साथ पास्ट इनडेफिनेट ही चाहिए, हमें पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए। तो हैड और आस्ट से तो बात जा रही है पास्ट परफेक्ट में, तो हमें पास्ट परफेक्ट में नहीं जाना, इसलिए हम हैड को यहां से हटाएंगे, और हटाते ही ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लग रहा है यार कि यहां लिव से पहले टू आना चाहिए, मतलब पढ़ने में ऐसा मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो बद्दा सोचता है कि यहां गलती है, लेकिन अब कहां दिक्कत है, देखिए सॉरी देखिए अगर आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखे, यानी टू प्लस वी वन दिख रहा हो, फिर बीच में देन आ रहा हो, तो अगर टू प्लस वी वन के बाद देन आ रहा है, तो चाहे आप वी वन लगाओ चाहे टू प्लस वी वन लगाओ, दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, इट इज बेटर टू गिव, ये देखो टू प्लस वी वन आ गया, देन आ गया, इट इज बेटर टू गिव देन रिसीव या टू रिसीव, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। इट इज बेटर टू रेंट, तो टू प्लस वी वन आ रहा है फिर देन आ रहा है, अब चाहे सिर्फ वी वन लिखो या टू प्लस वी वन लिखो, दोनों ही सही है। आई वुड लव टू डाई, ठीक है ना, आई वुड लव टू डाई देन लिव लिख सकते हो, टू लिव लिख सकते हो, ऐसा ही सेम देखो क्वेश्चन में था, To die with dishonor is better than live. तो एक तरफ, अब मैंने क्वेश्चन इसलिए दिखाया है क्योंकि यहां पर आप कहोगे सर यहां पर तो 2 plus v1 कितनी दूर रह गया, लेकिन सेंटेंस वही है, To die with honor is better than live with dishonor. ठीक है जी। So guys, एक बार फिर से बता देते हैं, जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रतिष्ठा, जिसके अंदर वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको कम से कम एएफओ की जो
प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसको क्लियर कराने में आपका बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज 8 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप 8 को रजिस्ट्रेशन कराओगे तो फिर चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा का मतलब अगर टाइम से कराओगे तो डेफिनेटली फिर कम है। अगर आप 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको चार्जेस है 1999, और अगर आप उसके बाद करवाओगे तो फिर 2499। सो गाइज इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप सबसे पहले कि ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा मैं इस तरह के वीडियोज़ अब रोज़ लाऊंगा, मिलेंगे आपको, कंटेंट मिलेगा। हाँ, और अगर वोकैब इम्प्रूव करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि साथ साथ लिखना ना पड़े, नोट्स बने बनाए मिल जाएं, तो जितने वीडियो के सेशंस हैं उतने के सारे सेशंस इस बुक में सेशन वाइज हैं। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, बस वीडियो देखो, इधर से बुक से बुक आपके पास है, बहुत अच्छे से रिविज़न हो जाएगी, टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।